हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं शिफाली. एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टॉपिक है, ये हमारा फोर्थ चैप्टर के अंदर ही है. तो आप देख सकते हैं, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी नो डैट इन अ प्रोग्राम व्हेन अ वेरिएबल एक्स इज डिक्लेयर्ड अ स्टोरेज लोकेशन इज मेड अवेलेबल टू द प्रोग्राम. जैसे कि हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो प्रोग्राम्स में क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं. तो जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने एक्स वेरिएबल एक डिक्लेयर करा हुआ है, तो जब हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेशन पहले से ही स्टोर्ड हो जाती है. जब हम मेमोरी को वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जितने हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई भी लिखती हूँ और जेड भी लिखती हूँ, तो क्या होगा, वाई और जेड के लिए डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन हमारे पास क्रिएट हो जाएगी इस तरह से. एंड जो जेड है उसके लिए डिफरेंट मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगी. फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये जो इनके नेम्स हैं वो अलग अलग होंगे. हम लोग सेम नेम का सेम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, यानी सेम नेम के हम लोग एक से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं बना सकते हैं. कि जैसे मेरा फर्स्ट वेरिएबल मेरा एक्स है, तो जो सेकंड वेरिएबल है वो मेरा वाई होना चाहिए, या फिर कोई और वेरिएबल का नाम होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता. तो इस तरह की लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं इस तरह के वेरिएबल्स को. कि जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद हमारी मेमोरी में इसके लिए एक स्पेस क्रिएट हो गया कि इसके अंदर हम लोग अपने एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं, या फिर कोई और इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं. तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा. ठीक है, तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स कहते हैं. तो डायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं. डायनेमिक वेरिएबल्स ऑन द अदर हैंड कैन बी एलोकेटेड फ्रॉम और रिटर्न टू द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रनिंग प्रोग्राम. अब हमने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जब हम उनको डिक्लेयर करते हैं तो उनके आगे हमारे मेमोरी लोकेशन बन जाती है. ठीक है, उनके लिए एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाता है. तो जो डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जैसे हमारे प्रोग्राम की नीड्स होती है. हमें उन्हें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है डायनेमिक वेरिएबल्स को. वो ऑटोमेटिकली जो भी हमारी नीड्स होगी, हमारा जो प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, उसकी जो भी नीड्स होगी उसके हिसाब से जो हमारा सिस्टम होता है या फिर कंपाइलर होता है वो अपने आप क्रिएट कर देता है इन वेरिएबल्स को. एक और चीज़ हमें देखनी है डायनेमिक वेरिएबल में. हाउएवर अ डायनेमिक वेरिएबल डज नॉट हैव अ नेम एंड कैन बी रेफरेंस्ड ओनली थ्रू अ पॉइंटर. जो डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं उनका कोई भी नाम नहीं होता है. जैसे कि हमारा ये एक्स है, ये एक्स हमारा क्या है, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है. तो एक्स इसका नाम होगा, स्टैटिक वेरिएबल का जो भी है ये एक्स, ये इसका नाम है. ठीक है, तो जो डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं ये इनका कोई भी नाम नहीं होता है. ये हम लोग इनको कैसे कॉल कर सकते हैं या फिर इनको कैसे रेफरेंस कर सकते हैं, हम लोग पॉइंटर के थ्रू इनको रेफरेंस कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक डिक्लेरेशन लिखी हुई है. अब इस डिक्लेरेशन को देखें और हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा पॉइंटर है वो कैसे डायनेमिक वेरिएबल से कनेक्टेड होता है. हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंटर है, जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है. इंटीजर डेटा टाइप मैंने लिया हुआ है और यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है जो कि हमारा एज अ पॉइंटर सिंबल काम करता है. अगर जब हम किसी भी वेरिएबल के साथ स्टार लगा देते हैं तो वो एज अ पॉइंटर वेरिएबल काम करना शुरू कर देता है. तो अब तक हमने देखा था कि हम लोग क्या करते थे, किसी भी अनदर वेरिएबल का एड्रेस हम लोग पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते थे. ठीक है, और वो वेरिएबल्स कैसे होते थे, स्टैटिक वेरिएबल्स होते थे. यानी हम उन वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करते थे और फिर हम उनके जो एड्रेसेस हैं वो एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर देते थे. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हम लोग डायनेमिक वेरिएबल्स को कैसे पॉइंटर वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं. जो भी उनका एड्रेस होगा वो हम लोग कैसे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास चार लाइब्रेरी फंक्शंस हैं. इनको हम लोग डायनेमिक मेमोरी फंक्शंस भी कहते हैं.
विच कैन बी यूज फॉर एलोकेटिंग और डी एलोकेटिंग मेमोरी. ये किस लिए यूज होते हैं? मेमोरी को एलोकेट करने के लिए और डी एलोकेट करने के लिए. एलोकेट एंड डी एलोकेट क्या होता है? जब हमारे पास एक वेरिएबल होता है तो उस वेरिएबल को हमारी मेमोरी एलोकेट हो जाती है, यानी उस वेरिएबल के लिए हमारी मेमोरी असाइंड हो जाती है. कोई और वेरिएबल उस मेमोरी को यूज़ नहीं कर सकता, यानी सेम नेम का वेरिएबल उसको यूज़ नहीं कर सकता. और डी एलोकेटिंग क्या होता है? जब हम लोगों ने प्रोग्राम को एंड कर दिया तो जो वो स्पेस है उसको हम लोग किसी और वेरिएबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी वो डी एलोकेट हो गया. जैसे कि हमें प्रोग्राम में कोई वेरिएबल चाहिए नहीं होता है तो हम लोग उसको कट कर देते हैं, ठीक है, उसके जगह पे कोई और वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं. तो वो वेरिएबल जो कट कर दिया हमने, उसके ये जो स्पेस पहले से ही रिजर्व था जब हमने उसको डिक्लेयर करा था, तो वो डी एलोकेट हो जाएगा, यानी इरेज हो जाएगा. तो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे, डायनेमिक मेमोरी फंक्शंस हैं. ये हैं हमारे पास मैलॉक, कैलॉक, री एलोक एंड फ्री एक्सेट्रा. ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. आज की वीडियो के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है. आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, ताकि आपको बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.